आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी जब वसुंधरा राजे की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हमारा मानना था कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, हमारी सरकार को 4 साल हो गए हैं, मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने अनशन किया। इस पर जांच होनी चाहिए ताकि हमारी कथनी करनी में फर्क ना हो। को लेकर किया था जब कांग्रेस पार्टी हम सब लोग विपक्ष में थे, तब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और बहुत सारे आरोप लगे थे, करप्शन के, भ्रष्टाचार के, बहुत से स्कैंडल्स हुए थे, तो उनकी एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना था। और हम लोगों ने खुद ज्ञापन दिए थे गवर्नर साहब को, राष्ट्रपति जी को, कि जांच होनी चाहिए। सरकार हमारी बनी है, अब 4 साल से ज्यादा हो गए, मैंने पूर्व में चिट्ठियां लिखी थी लेकिन कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई, इस वजह से मैंने अनशन किया था। और अनशन मेरा वसुंधरा जी की सरकार के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ, जो हम लोगों ने बहुत से प्रमाण इकट्ठे किए थे, उस पर अगर होता तो लोग, मैं समझता हूँ, उसको अच्छा मानेंगे, क्योंकि हमारी कथनी करने में फर्क ना हो, ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। और अब चुनाव में बहुत समय बचा नहीं है, इसलिए करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, तो काम होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अब बाकी केसेस जो हैं करप्शन के उस पर कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूँ शायद जोधपुर में भी जो प्रकरण हुआ है सोसाइटी वाला, हाँ, उसमें कार्रवाई, उसका मैं स्वागत करता हूँ। टीएमसी नेता मुकुल रॉय लापता हो गए। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने दावा किया है कि उनके पिता लापता हो गए हैं। उनके पिता को सोमवार की शाम इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उन्हें रात 9:55 पर दिल्ली लैंड करना था लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं लग सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकुल रॉय की रविवार को उनके बेटे से बहस हुई थी, जिसके बाद से वो कथित तौर पर गायब हो गए हैं। बता दें कि साल 2017 में मुकुल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। हालांकि 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद पार्टी के नेता मुकुल रॉय अपने बेटे शुभांशु के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी। बता दें कि मुकुल रॉय के बेटे ने शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि उनके पिता से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके पिता मुकुल रॉय लापता हो चुके हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की यूपी के प्रयागराज में हत्या के बाद विपक्षी नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव के बाद ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं किसी तरह से अपराध के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो हुआ और बीजेपी के राज में जो हो रहा है वो गलत है। कोई न्यायिक हिरासत में और बाहर जाता है तो उसे मार दिया जाता है। क्या चल रहा है देश में, जिसको मर्जी मार दो। एवं की जुडिशियरी, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी क्राइम। मैं फ्रेंकली आपको बताती हूँ, हम क्राइम का पक्ष में नहीं हूँ। क्राइम तो बीजेपी करते हैं और जुलूम करते हैं, हम उसको निंदा करती हूँ। लेकिन जो हुआ था, जो हो रहा है बीजेपी राज में, अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं, तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है, उसका बाद कितना सेंट्रल टीम किया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया, क्या चल रहा है देश में, जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो, सबको खिलाफ में सीबीआई लगा दिया, सबको खिलाफ में ईडी लगा दिया, सबको खिलाफ में कोई ना कोई एजेंसी, एक चॉकलेट बम भी फटता है तो एनआईए को भेज देता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ काम, एनआईए का काम क्या है? देश को सुरक्षा देना, देश को रक्षा करना, कोई डील करना एनआईए का काम नहीं है।
तो वहीं अतीक और अशरफ के हत्या के बाद लगातार जो है विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में क्या चल रहा है, जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, लगातार वो बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही हैं। उन्होंने न्यायिक एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं, कहा कि जो भी है न्यायिक एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। देश में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में आए 7,633 नए मामले मिले हैं। बीते दिन 11 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या है 4,48,34,859 हो गई है। वहीं इसमें मरने वालों की संख्या जो है 5,31,152 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 4 मौतें दिल्ली में हुई है। वहीं हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब में एक एक व्यक्ति की कोरोना से जान गई है। मृतकों की संख्या में केरल की तरफ से भी 4 मौतों का इजाफा किया गया है। तो लगातार जो है देश में कोरोना के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से जारी है। ताजा मामलों की बात करें तो कोरोना के 7,000 के पार केस सामने नए आए हैं। और आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या जो है लगातार वो बढ़ती जा रही है। वहीं संक्रमण दर जो है लगातार बढ़ रहा है। वहीं देश में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7,633 नए मामले मिले हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सभी को मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। नए कोरोना गाइडलाइन में एक बार फिर से मास्क जो है अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि बीते 11 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना की चपेट में आने वालों की कुल संख्या 4,48,34,859 हो गई है। वहीं इसमें मरने वालों की संख्या जो है 5,31,152 पहुंच गई है। तो लगातार जो है कोरोना संक्रमण की दर बढ़ती हुई देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में हुई, हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब में एक एक व्यक्ति की जो है कोरोना से जान चली गई है। यूपी में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और निकाय चुनाव पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 458 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3.693 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ में सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ से पिछले 24 घंटे में 119 नए कोरोना जो मरीज मिले हैं। इसी के साथ लखनऊ में कुल 875 सक्रिय मरीज हैं। बता दें कि यूपी 4 मई को नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है। इसके लिए सीएम योगी ने सभी तैयारियां पूरी करने के पहले निर्देश दे दिए हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी कि नगर निकाय चुनाव में अखिलेश जैन की जोड़ी में फूट हो सकती है, लेकिन सभी अटकलों को समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर खारिज कर दिया है। सपा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बड़ौत और बागपत में सपा स्थानीय नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी और रालोद का समर्थन करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के तरफ से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इन लोगों के बीच में है जो दूरियां एक बार फिर बढ़ गई हैं, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इन सारी अटकलों को खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि बागपत और बड़ौत से जो है समाजवादी पार्टी अपना समर्थन देगी। वहीं लगातार जो है निकाय चुनाव को लेकर दोस्ताना जो है कायम रहेगा। बता दें कि
यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं, सारी पार्टियां अपने अपने तैयारियों में लगी हुई हैं। बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में देखने को मिल रही हैं। वहीं बताया जा रहा है कि रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि इनके बीच में जो है दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर सारी अटकलों को खारिज कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट कर सारे अटकलों को खारिज कर दिया गया है, वो रालोद का समर्थन करेगी। जी नंदनी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पंचायत चुनाव में एक बेहतरीन प्रदर्शन के बाद माना जा रहा था कि आगामी निकाय चुनाव में ये दोनों साथ रहेंगे। इस दौरान बात करें तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी कुछ सीटों के बंटवारों को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल रहा था, जिसको लेकर काफी चर्चाएं भी हुई कि क्या समाजवादी पार्टी से अलग होकर जो गठबंधन में 2022 के चुनाव में गठबंधन रहा, क्या वो गठबंधन पर कहीं ना कहीं कोई संशय नजर आ रहा था कि गठबंधन रहेगा या टूट जाएगा। वहीं आपको बताएं कि कल समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ, जिसमें बात करें तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक ही सीट से दोनों अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिसके बाद माना जा रहा था कि दोनों का गठबंधन टूट गया, मगर जिसके ठीक बाद आज सुबह सपा के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी जा रही है कि बरौत और बागपत सीट को आरएलडी के लिए छोड़ा गया है और इससे साफ है कि जो मतभेद था उस पर विराम लग गया है और आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अभी कायम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये गठबंधन किस तरह का प्रदर्शन करता है, वो चुनाव के बाद साफ हो पाएगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। यूपी में नगर निकाय चुनाव का शंखनाद होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा दी है। अब सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। जहां नगरीय निकाय चुनाव में त्रिस्तरीय बीजेपी का प्रचार होगा, जहां मंत्रियों के साथ ही सांसद विधायकों को भी प्रचार में लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश क्षेत्रीय और जिला मुख्यालयों पर बीजेपी के कैंपेन होंगे। प्रभार वाले जिलों में मंत्रियों और पदाधिकारियों के दौरे शुरू हो गए हैं। मेयर के साथ ही पालिकाओं में भी सीएम योगी प्रचार कर सकते हैं। दूसरी ओर सपा ने भी चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। राजधानी लखनऊ का मेयर चुनाव कमेटी मैनेज करेगी। वहीं इस कमेटी में अरविंद सिंह गोप, मधु गुप्ता, सीएल गुप्ता, साथ ही जगदीप यादव, फाके सिद्दीकी, आशुतोष वर्मा भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। मुझे कोई चिंता है तो केवल एक, जिन दंगाइयों और पेशेवर अपराधियों पर प्रदेश में अंकुश लगा है, वे सब अब फिर से मचल रहे हैं। वे बार बार धमकी दे रहे हैं कि जरा आने दो हमारी सरकार, सावधान रहिए। आप चूके तो न केवल 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को इस बार कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर भी नहीं लगेगी। आपका वोट आने वाले 5 वर्षों की हमारी तपस्या के लिए आपका आशीर्वाद हो, और इससे भी बढ़कर यह वोट आने वाले समय में आपके और आपके परिवार के भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बने। जय जय श्री राम। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, नगर निगम चुनाव को लेकर देखिए सारी पार्टियां अपनी जो है तैयारियां कर रही हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से मंत्री से लेकर विधायक तक प्रचार प्रसार में लगेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें नंदनी कि निकाय चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपने तमाम फैसले को अपना रहे हैं और चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास को कर रहे हैं, उसी को मैं आपको बताएं कि जहां पहले फेज को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए सबसे प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और नामांकन का भी दौर पूरा हो चुका है और निर्दल प्रत्याशी और साथ साथ राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का अब नामांकन के बाद अब कहीं ना कहीं कन्वेंसिंग की बारी आई है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जनसभाएं कर सकते हैं, साथ ही नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक सूबे के मुख्यमंत्री प्रचार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बताएं कि सरकार की तरफ से जिम्मेदारियों को तय करते हुए मंत्री और विधायकों को भी आम जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ जाकर और जन जन तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीतियों को, प्रदेश सरकार की नीतियों को उनके समक्ष रखने की बात कह रहे हैं। और आपको बताएं कि इसको लेकर दिल्ली दरबार की तरफ से एक एडवाइजरी आई जिसको प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से एक आदेश जारी करते हुए कहा गया कि तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने क्षेत्रीय क्षेत्र में जाएं और जो उनके क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव करने के लिए एक प्रयास करें। और साथ ही आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो हर एक मंत्रियों का एक क्षेत्र बांटा गया है और क्षेत्र मंडल वाइज जो क्षेत्र है इसमें देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम फैसले अपनाए जा रहे हैं, वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी में भी ठीक ऐसे ही विधायकों को, तमाम जो सांसद हैं, तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं पार्टी के, उनको प्रत्याशियों के साथ मिलकर और अपनी अपनी पार्टियों का कहीं ना कहीं जो नीति है उसको जन जन तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। जी विभांशु, देखिए कहा जा रहा है कि भाजपा और सपा की जो है कांटे की टक्कर है, लेकिन बसपा ने अपना पूरा दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। बसपा लगातार जो है मीटिंग कर रही है, तमाम प्रचार प्रसार वो भी कर रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नंदनी तो बसपा एक साइलेंट तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रही है। निकाय चुनाव के ऐलान के पहले ही देखा गया था कि श्री काशीराम जी के जो तमाम राजनीतिक पैतरे हैं जिसमें डोर टू डोर कैंपेन, जमीन पर बैठकर डुकडुकी बजाकर उसी पैतरे से निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्योंकि बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी काफी साइलेंटली, काफी गुपचुप तरीके से बसपा अपने कैंडिडेट को लाई, साथ ही चुनाव में अलग तरीके से आई, मगर उसका कहीं परिणाम नहीं निकला और बसपा के एक ही विधायक सदन चुन के गए। मगर निकाय चुनाव में पूरी तरह से साइलेंट तरीके से बसपा अपने वोटर्स को कहीं ना कहीं साधने की तैयारी में है। क्योंकि बात की जाए तो निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और सभी राजनीतिक दल इससे कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में मजबूती पाकर और ये अपेक्षा लगा रहे हैं कि अगर हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालेंगे तो लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं आसान होता हुआ नजर आएगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कांग्रेस नेताओं से बैठक की। बैठक के बाद ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हमने 25 से 30 साल तक भाजपा से संबंध बनाए रखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कौन दोस्त है और कौन विरोधी। देश में लोकतंत्र की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। हम जब दोस्ती निभाते हैं तो सिर्फ दोस्ती नहीं रहती, एक रिश्ता होता है जो हमने 25-30 साल बीजेपी के साथ निभाया था। दुर्भाग्य की बात है कि वो उनको समझ में नहीं आई बात कि मित्र कौन है और विरोधी कौन है। ठीक है, वो उनका नसीब, लेकिन हम आगे जाकर अपने देश को, देश में जो प्रजातंत्र है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम साथ में रहेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है कि अब देश में हर नागरिक के मन में एक सवाल उठा है, प्रश्न उठा है और वो सब लोग हमें साथ देंगे। पीलीभीत में जनसंवाद कार्यक्रम में सांसद वरुण गांधी अपनी सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। वरुण गांधी ने कहा कि आज सब आप थाने या पर या पेंशन और आपकी आवाज के लिए जाते हैं तो आपको लाभ लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, ये सब एक गुलामी से कम नहीं है। उन्होंने जनता को आज भी नेताओं और अफसरों का गुलाम बताते हुए सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। वरुण गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम पीलीभीत में लगभग 35 सालों से राजनीति कर रहे हैं। मेरी मां देश की सबसे वरिष्ठ सांसद है, मैं 3 बार से सांसद हूं। क्या मैंने कहीं कॉलोनी काटी? क्या हमारा कोई घर या बड़ा मकान है? कोई और होता तो महल बना लेता। जो हमारी चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे आजकल 5-5 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। बाकी जो हमारे पहले चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे वो तो आज 5-5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, है कि नहीं?
दें कि पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला का निधन हो गया। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला का निधन, वेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। पूर्व मंत्री का निधन, बड़ी खबर आपको बता दें, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला। पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला का निधन, सरोजनी नगर से लगातार 3 बार रह चुके थे विधायक। बड़ी खबर आपको बता दें, सरोजनी नगर क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर। पूर्व मंत्री शारदा शुक्ला का निधन, बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला का निधन, वेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला का निधन हो गया, काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। संपर्क टूट गया है, हम दोबारा प्रयास करेंगे। तो वहीं बता दें आपको कि पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला का निधन हो गया है, वेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। एक बार फिर से रुक करते हैं गौरव श्रीवास्तव की तरफ। गौरव, पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला का निधन हो गया है, वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर निधन उनका हो गया है। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेताओं में एक रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं और एक बार मंत्री रहे हैं सपा सरकार में। कहीं ना कहीं बहुत, अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव, सपा प्रमुख, अभी हाल में उनका निधन हुआ था, वो भी उनके बड़े करीबी थे और निश्चित रूप से उनके बड़े खास थे। और शारदा प्रताप शुक्ला वो नाम थे जो लखनऊ में तमाम तरह पर रिप्रेजेंटिंग किए पार्टी को। और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी है कि शारदा प्रताप शुक्ला भी हाल में ही प्रसपा में चले गए थे, क्योंकि प्रसपा जिस तरह अलग हुई थी, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर बने थे, उसके बाद जब से सतपाल सिंह यादव का एक धारा अलग हो गया था तो वो सतपाल सिंह यादव के साथ चले गए थे। और उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि शायद वो सपा में लौट के आएंगे। हालांकि प्रसपा का सपा के साथ विलय यहाँ पर हो गया था, पर शारदा प्रताप शुक्ला की तरफ से कोई किसी तरह का बयान जारी नहीं किया गया था। लगातार बीमार चल रहे थे और फिलहाल ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि यहाँ पर शारदा प्रताप शुक्ला का निधन हुआ है। मेदांता में भर्ती थे और लगातार लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए इस समय कड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। कि शारदा, अगर बात करें सरोजनी नगर क्षेत्र में शारदा प्रताप शुक्ला का वो नाम था कि अगर किसी को कहते थे तो निश्चित रूप से उनकी बात की तवज्जो होती, वैल्यू होती थी, महत्व था उनका। तो कहीं ना कहीं यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए झटका है और शारदा प्रताप शुक्ला जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल थे, उनका यहाँ निधन हो गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद लगातार जो है सियासत तेज हो चुकी है। इसी बीच भाकियू के अध्यक्ष का, नरेश टिकैत का क्या कुछ बयान सामने आया, चलिए आपको सुनाते हैं। हमने तो खैर अतीक देखा भी नहीं भाई, सारा परिवार तहस नहस कर दिया। इतने आदमी मुसलमान का अंदाजा लगा के वो कहते हैं भाई लुंगो बात थे, वो तो मुसलमान थे, वो तो पता नहीं क्या था। कोई कुछ भी हो, न्याय व्यवस्था है, अदालत फांसी दे दो, थे अदालत का काम है, अदालत को भी नहीं मानने, ये मान्य सुप्रीम कोर्ट को, मान्य हाई कोर्ट को, किसी को नहीं मानना। और एक नाम बदनाम करा जा रहा, वे गोली मारते हुए जय श्री राम कह रहे, जय श्री राम, राम का नाम बदनाम करने के लिए। हम भी रघुवंश से है, रघुकुल से है, रामचंद्र जी का नाम ऐसे उसमें लिया जा, गोली मारने में पर जन रामचंद्र जी बिल्कुल ऐसा उड़दंग पड़ा था उनका, वही था ले जा जा बस फेंक ले जा। हमने तो खैर अतीक देखा भी नहीं भाई। आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।